हाय गाइस, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं AMR अंसारी। फ्रेंड, ये हमारे पास रेडमी 8A मोबाइल है। देखिए गाइस, ये इसको हमने पहले से ओपन करके रखा है और इसकी स्विच को प्रेस करके देख लेते हैं कि मोबाइल ऑन है या नहीं। देखिए, ये प्रॉपर ऑन है। अब इसमें हम चार्जर को इंसर्ट करके देख लेते हैं कि इसमें चार्जिंग कनेक्ट होता है या नहीं। देखिए गाइस, देखिए चार्जर को हमने इंसर्ट कर दिया लेकिन इसकी डिस्प्ले पे चार्जिंग शो नहीं हो रहा है। देखिए, अब इसको हम पलट के इसके चार्जिंग वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से कि इस पे करंट आ रहा है या नहीं। देखिए गाइस, ब्लैक वायर को इसके ग्राउंड पे रखना है और रेड वायर को इसके चार्जिंग वाले पॉइंट पे रखना है और फिर देखते हैं। देखिए गाइस, ये इसमें 5.20 के करीब इसमें करंट आ रहा है, यानी यहाँ तक बिल्कुल इसका चार्जिंग लाइन सही है। अब इसके बोर्ड को हम पलट कर देख लेते हैं। कि इसकी जो चार्जिंग आईसी है उसके आसपास के रेजिस्टेंस और डायोड पे या कैपेसिटर पे करंट आ रहा है या नहीं। देखिए गाइस, देखिए ये इस कैपेसिटर पे बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है। देखिए गाइस, इसका मतलब इसकी लाइन ब्रेक है, इस वजह से इसमें यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। देखिए गाइस, ये कैपेसिटर के ऊपर वाले पॉइंट पे बूस्टर कॉइल के बगल में एक जम्पर यहाँ पे लगाना है, लेकिन इसको हम पहले मल्टीमीटर से फिर से एक बार और चेक कर लेंगे। अगर बीप की आवाज़ आती है तो समझ लो ये लाइन सही है, नहीं आती है तो ये ख़राब है। देखिए गाइस, एक पॉइंट को देखिए, ये बूस्टर कॉइल के बगल में जो कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर पे यहाँ पे रखना है मीटर के एक पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को चार्जिंग वाले लाइन पे रखना है, जो चार्जिंग लाइन है। देखिए गाइस, ये इसकी चार्जिंग लाइन है, एक पॉइंट इस पे रखना है। देखिए गाइस, ये इस पे बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। चलिए एक बार हम और आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब इसकी लाइन ब्रेक है। देखिए, और इसके कैपेसिटर के आसपास वाले कंपोनेंट को भी एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं इसकी लाइन में फॉल्ट तो नहीं है, यानी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए गाइस, ये लाइन बिल्कुल यहाँ तक सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस खाली ये इसके चार्जिंग वाले पॉइंट से लेकर और इस कैपेसिटर पे एक जम्पर मार देना है और
जंपर लगाने के बाद ये प्रॉब्लम 100% सक्सेस हो सकता है। देखिए गाइस, ये इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और फिर हम जंपर लगाएंगे इस पर। फ्रेंड जो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए गाइस, इसके इस वाले पॉइंट पे जंपर लगाना है कैपेसिटर के, जो इसका प्लस पॉइंट है। नीचे वाला पॉइंट इसका ग्राउंड है। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर जंपर इसमें लग गया है एक साइड पे, और इसके अब दूसरे वाले साइड पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे। देखिए गाइस, ये इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद इसका एक पॉइंट इस पर सोल्ड कर देंगे। देखिए ये सोल्ड हो चुका है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं फिर से एक बार कि इसका कौन सा पॉइंट कहाँ पे हमने जंपर लगाया। देखिए गाइस, ये पॉइंट इस पर यहाँ लगा हुआ है, और इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। गाइस ये वायर थोड़ा बड़ा लगा दिए हैं ताकि आपको आसानी से दिखा सके, और बोर्ड फिटिंग करने के टाइम पे वायर को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। देखिए गाइस, अब इसमें चार्जर को हम इंसर्ट करके फिर से इसका करंट चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखिए गाइस, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट करंट आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब इसके डिस्प्ले कनेक्टर को और बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करके चेक करेंगे। देखिए गाइस, ये इसमें रेडमी लिख के आ गया। देखिए गाइस, ये बिल्कुल 100% चार्जिंग इसमें शो होने लगा है। अब इसको हम एक बार ऑन करके भी चेक कर लेते हैं कि ऑन होने पर भी चार्जर वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए गाइस, ये चार्जर को हमने फिर से निकाल के इंसर्ट किया, और ये बिल्कुल 100% चार्जिंग होना शुरू हो गया। फ्रेंड हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फ्रेंड थैंक यू वॉचिंग।